गाइज वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज कैसे हो आप सब, होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज मैं ये ब्लॉग जो है बहुत दिन में वैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ आज। सो गाइज आप मेरी हालत देख सकते हो, मेरी हालत से आप आइडिया लगा सकते हो कि हालत कैसे हो रही है। बिकॉज हमारे घर में जो है पेंट का काम चल रहा है तो उसकी वजह से हम पेंट लगे हुए हैं। और हम मुझे 2 दिन हो गए हैं मैं नहीं हूँ, बिकॉज वही है इतना काम होता है उसकी वजह से फिर ऐसे हो जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। मेरे बाल भी सारे इतने गंदे हो रहे हैं और पेंट का काम चल रहा है। मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। देखो जो है यहाँ पर तो पेंट मतलब बाकी स्टार्ट मतलब हो ही गया है, अभी यही हुआ है वैसे। और बाइक पे जो होता है वॉल पुट्टी वगैरह जो होती है वो हो रही है और यहाँ पे भी काम ही चल रहा है। और बाहर भी ऐसे ये सारा यहाँ से मतलब हो चुका है जितना भी है, पर अभी बहुत काम रह रहा है। और तो मैं सोचा कि चलो ठीक है मैं ब्लॉग बना देती हूँ, आप भी थोड़ा होता है कि चलो दिखा दें तो उसी के लिए। और अभी जो है मतलब जो लेबर्स वगैरह है वो सब अपना जो है खाना वाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग अभी से स्टार्ट किया बिकॉज उनके सामने थोड़ा बनाने में थोड़ा अजीब लगता है तो इसीलिए। तो और सारा सामान जो है ऐसे ही फैला हुआ है और दिखाती हूँ मैं आपको। देखो कैसे कितनी गंदी हालत हो रही है यहाँ पे, ये ऐसे ही सारा सामान इतना गंदा हो रहा है। इस वॉल पे जो है मतलब पेंट होने लग रहा है, मतलब रह गया है अभी मतलब 1 बारी का रहा है अभी, जैसे भी होता है इनका तो वो है। और जो है मतलब एक रूम में पेंट हो चुका है वैसे, मतलब पेंट तो हो गया है बट अभी हमने सामान वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। और मेरी बुक्स जो है वो इतनी मतलब बहुत सारी बुक्स है और समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करे क्या है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कितनी सारी बुक्स हो रही है और उनमें से सिलेक्ट करके हमें अलग रखनी है, बहुत काम है बट मन नहीं कर रहा है। और रात को इतना थक जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, ऐसे ही लेट जाते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। मैं आपको बुक्स दिखाती हूँ, मैं आपको बुक्स दिखा रही हूँ। इस रूम में हमने ये पेंट कराया है, देखो ये हमने पेंट कराया है, मैं दिखा देती हूँ दूर से आपको। ये पेंट है यहाँ पे और देखो ये सारी बुक्स है। देखो मतलब बिना देख के इतनी टेंशन हो रही है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, क्या है। देखो ऐसे मेरी सारी बुक्स वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और देखो ये जितना भी आपको दिख रहा है ना ये सारी बुक्स है जितनी भी है ये सारी। और बाहर जो है बाहर अलग से पड़ी है। तो बस वही है जल्दी से सारा काम निमट जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं अपनी बुक्स वगैरह लगा के जो भी है टेंशन फ्री हो जाऊंगी। बट अभी काम बहुत रह रहा है और मुझे लग रहा था कि 3 दिन में हो जाएगा बट 3 दिन में तो मुझे नहीं लग रहा बिकॉज आज 3rd डे है और अभी मेरे ख्याल से 3 दिन और लगेंगे, उसके बाद ही सारा खत्म होगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, पेंट वगैरह सब कुछ रह रहा है, अंदर वाली रूम में पेंट रह रहा है, सारा काम है अभी। वॉल पुट्टी वगैरह भी रह रही है, बाहर को भी रह रही है। इस वाली दीवार में दिखाती हूँ मैं आपको, जो ये पूरी दीवार है ये वाली, ये इस पे पूरी पे वॉल पुट्टी रह रही है वो होगी। और जैसे होगी मैं दिखाती रहूंगी आपको। पता है हमारा कुछ टाइम हमारा कैसे वेस्ट हुआ, जैसे हमें पेंट कराना था तो जैसे लेबर्स वगैरह थे, जैसे भी था मतलब पेंटर्स वगैरह थे, उन्होंने जैसे डब्बा खोला तो वो पेंट जो है उसने गलत बना के दे रखा था। मशीन से पेंट वगैरह बनता है ना, तो वो उन्होंने जो है गलत दे रखा था। दोनों ने फिर देखा, फिर बोल रहे कि हाँ ये मुझे बुलाया कह रहे कि ये वाला पेंट देखो आपने ये बनवाया था। मैंने कहा नहीं हमने तो नहीं बनवाया ये। फिर उसमें इतना सारा ड्रामा हुआ, बाबू से जो शॉप वाला था उसे फ़ोन किया कि आपने गलत दे दिया, वो बोल रहा है कि मैंने नहीं दिया आपने इसमें कुछ मिक्स किया है, तो वो लेबर्स वगैरह की मिस्टेक निकाल रहे थे। तो फिर हमने जो मतलब शॉप वाला था उसे घर ही बुला लिया, हमने बोला कि ठीक है आप घर आओ उसे देखो जैसे भी है। तो वो घर आया, उसने फिर देखा, फिर कह रहा कि नहीं लेबर्स वगैरह ने इसमें कुछ ऐड किया है बट इन्होंने जो है उसमें कुछ ऐड नहीं किया था। फिर मैंने बोला उनको कि मतलब हमारी कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। भाई ने भी बोला, भाई ने तो फिर बोल दिया कि भाई हम पैसे नहीं देंगे इस चीज़ के। तो वही है क्योंकि पेंट्स अब ये तो होता नहीं कि मतलब सस्ता वगैरह बन जाए, जैसे भी होता है तो हर चीज़ में थोड़ा कॉस्टली पड़ जाती है चीज़ें। तो फिर वही बोल दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर उसकी वजह से फिर कह रहे कि ठीक है आप दोबारा बना के देंगे। फिर मतलब उन्होंने बोला कि आपकी मिस्टेक नहीं थी इसमें, लेबर्स वगैरह ने कुछ अपना ऐड वगैरह किया था, बट फिर बाद में बोला कि चलो ठीक है बना देंगे। तो इसी में जो है हमारे 3-4 घंटे तो हमारे ऐसे ही वेस्ट चले गए, वरना अब तक इस रूम में पेंट हो जाता। इसकी वजह से हम भी ऐसे ही बैठे हैं बिकॉज और भी काम होता है करने के लिए, तो वही उनकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। बट जल्दी जल्दी इसमें हो जाए, अब वो खाना वाना खा के आ जाए लेबर, शायद आ गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे कमेंट्स वगैरह होगा तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।